जैसी जैसी कोई नहीं। हेलो मलिका, बहुत बहुत शुक्रिया, तो आपने हमारा फोन तो उठाया और गुस्सा भी नहीं हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जानते हो अरमान, मुझे इससे ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब तुम मेरे पास आ जाओगे, जैसा तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। मलिका, मैं आ रहा हूँ। मैं फिलहाल जैसी के साथ ही हूँ और काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। लेकिन कब आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, ऐसे ही बहुत लेट हो गया है। मैं अभी निकल ही रहा हूँ मलिका, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। ओके ओके, बाय, सी यू मलिका। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम तो मरिया मुझे 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 हमेशा से बहुत अच्छी लगती हो, बहुत, तुम्हें पता है मरिया। पर मैं हमेशा तुम्हारे पास आने की कोशिश करता था, पर तुम मुझे हमेशा रिजेक्ट करती रही। क्योंकि मैं स्टुपिड थी, सारी गलती मेरी थी। वीरू, हर औरत को चाहिए होता है कि उसे कोई जिंदगी भर प्यार करे, उसका घर बसाए, यहाँ तक कि मलिका मैम को भी। मरिया, एक बार फिर से कह दो ना, वीरू हाँ। हाँ वीरू हूँ। सर, बंद करने का टाइम हो गया सर। तो बंद कर दो, दरवाजे भी बंद कर दो, लाइटें भी बंद कर दो, लेकिन ये जो म्यूजिक है ना, इसको चालू रहने दो हमारे लिए। सर, म्यूजिक तो कब का बंद हो चुका है, आपके जाते ही लाइट और दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। म्यूजिक बंद हो गया है मरिया, म्यूजिक हमें क्यों सुनाई दे रहा है? What a music. तुम अपना सॉफ्टवेयर तो भूल ही गई। थैंक यू। जैसी, तुम्हारा घर आ गया। जी सर, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आज जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया और आज का ये जो वक्त मैंने आपके साथ बिताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मुझे भी। और थैंक यू इसके लिए, और जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया सर। जैसी, मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुझे क्यों? क्योंकि तुमने अपनी इतनी पर्सनल बातें मेरे साथ शेयर की, पर मुझे आज पता चला है कि तुम मुझे वाकई अपना दोस्त मानती हो। मैंने आपको जो कुछ भी बताया सर, आपका नजरिया मेरे बारे में बदल गया होगा ना? बिल्कुल नहीं जैसे, बल्कि तुमने जो कुछ भी कहा बहुत ही साफ दिल से, सच्चे मन से कहा, और वो वही जैसी कर सकती है जिसे मैं जानता हूँ। थैंक यू। सो जैसी, आज से हम लोग दोस्त हैं। यस सर, बाय सर।
गुड नाइट सर। बाय जैसी। जैसी को तुझसे प्यार करना होगा, तुझे चाहना होगा। जैसी, आई लव यू। अपना दिल हल्का करके आई होप तुम आज रात चैन के नीचे पाओगी जैसी। फिर मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो सब मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी याद मुझे कभी नहीं सुनी देगी। आज मैं अपने आप को आपकी आंखों से देख रही हूं, जैसे आपने कहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा था सर, आज मुझे एक दूसरी जैसी नजर आ रही है। आज अरमान सर के साथ बिताया हर पल मुझे हमेशा याद रहेगा। अपने से जितना करीब मैंने उनको आज महसूस किया, पहले कभी नहीं किया। मैंने उनके सामने अपनी ज़िंदगी का हर वो पन्ना खोल दिया जिसे मैं पूरी दुनिया से हमेशा छुपा के रखना चाहती थी। और अरमान सर सचमुच चाहते थे कि वो और जाने मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी के बारे में। अरमान सर की नज़रों में मेरे लिए इतने मायने हैं, इतना अपनापन है, इतनी हमदर्दी है, तो मैं खुद अपनी नज़र में भी उठ गई। आज मुझे लगा कि मैं बाकी सबसे अच्छी हूँ। आज मैं मानने लगी हूँ कि मुझ में भी कुछ है जो सुंदर है। Pick up the phone. मलिका। अरमान, अच्छा हो तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, मुझे कितनी सारी बातें करनी है, चलो। मलिका, मैं बहुत थक गया और मैंने तुमसे आने का वादा किया था, इसीलिए यहाँ पर आया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रुकना। ऐसा क्या हो गया? वो नया कलेक्शन, सप्लायर के साथ की टेंशन, इन सब ने मुझे बहुत परेशान कर दिया मलिका। और अब मैं सिर्फ घर जाकर सोना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर टेंशन का इलाज मेरे पास है। अरमान, पहले तो तुम अपनी हर प्रॉब्लम, हर टेंशन लेकर मेरे पास आते थे, और आज तुम इन्हीं सब का बहाना बनाकर मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। मलिका, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अरमान, और बात शायद ये भी है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और है। मैंने सब बताया कि कैसे जिंदगी के हर कदम पर मेरे साथ हादसे हुए हैं, और वो मानो हर कदम पर मेरे साथ चल रहे हैं। लगता था कि हर बात का उन पर भी उतना ही असर हो रहा था जितना मुझ पर हुआ था। इस बात का मैं और क्या मतलब निकालूं अरमान, कोई और भी है तुम्हारी जिंदगी में। डोंट टच मी। मलिका,
किसी और को भी छूकर आए हो तुम आज। किसी और के पास जाने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पास आओ अरमान? थैंक यू बाबा जी, आपने आज मुझे ये दिन दिखाकर मेरे विश्वास को लौटा दिया। आपने ये दिखाया कि ज़िंदगी में अब भी उम्मीद बाकी है, और ये भी दिखाया कि अब भी दुनिया में अरमान सर जैसे लोग हैं जिनमें इंसानियत है, दूसरों के लिए हमदर्दी है, और जिनका दिल एकदम साफ है, जिनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं बाहर से कितनी बदसूरत हूँ। एक और झूठ, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती अरमान, बस तुम यहां से चले जाओ, जस्ट लीव। जस्ट गो अवे। वाले का है? मालूम नहीं मैडम। मालूम नहीं का क्या मतलब? उसका काम गाड़ियां पार्क करने का है ना, कोई अपना काम नहीं करना चाहता सबको। मैडम आपको लगे तो नहीं? तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। इस ऑफिस में कोई काम करता भी है? मरिया कहाँ? वो क्या नाजनीन? पता नहीं मैम। तुम तीनों एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद इस ऑफिस में कोई देर से आया ना तो। हाय मालिका बेब। हाय गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? लगता है इस ऑफिस में हर किसी को देर से आने की आदत पड़ गई है। मालिका, मालिका, क्या है परी? मालिका क्या हुआ, कुछ तो बोलना। मैं हार गई परी। लेकिन मलिका तुम तो मलिका सेठ हो, तुम कभी किसी से नहीं हारती हो। जानती हूं, लेकिन कल रात मैं अपना प्यार हार गई परी। ऐसा क्या हो गया है मलिका? अरमान तेरे यहां आया था ना? आया था, लेकिन शायद ना आता तो ही बेहतर होता। अरमान मेरे पास होकर भी मुझसे बहुत दूर था परी, और यही बात मुझे खाए जा रही है। अरमान किसी और का हो चुका है। मलिका तुझे अभी भी उसके साथ गोवा जाना पड़ेगा ना? कैसे रहेगी तू उसके साथ? एक काम करते हैं, तू गोवा अकेली चल जा, मैं भी, या फिर मैं चलूं तेरे साथ? नहीं परी, गोवा ही तो आखिरी मौका है अरमान को दोबारा अपने पास लाने का। मैं गोवा जरूर जाऊंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए। क्या बात है, आज सीईओ साहिबा खुद मेरे कैबिन में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जैसी। जैसी वो सप्लायर्स के साथ मीटिंग फिक्स हो गई? फिक्स हो गई। लेकिन जितनी खुश तुम लग रही हो उतनी खुशी की बात नहीं है जैसी। क्या हुआ? सर एक्चुअली मुझे आपको गुड न्यूज देनी है कोहिनूर के बारे में। बोलो। वो नंदो ने ना स्टॉक मार्केट में कोहिनूर की तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे जिसके हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं सर। जैसी मुझे इस वक्त फिक्र सिर्फ सप्लायर्स की है, उन्होंने हमें क्रेडिट देने से मना कर दिया। सर मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली कोहिनूर के पास अब इतने फंड्स हो गए हैं कि हम सप्लायर्स को सीधा एडवांस देकर डिलीवरी ले सकते हैं। This is a great news, Jesse. तो अब हम जल्द से जल्द उनको एडवांस देकर। वो तो मैंने ऑलरेडी कर लिया सर,
एडवांस दे दिया। थैंक यू सो मच जैसे। थैंक्स। अच्छा एक्चुअली मुझे भी आपको थैंक यू कहना है। क्यों? आपने मुझसे मेरा एक दिन मांगकर मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सर। बीते हुए कल को भूलकर आने वाले कल की तरफ देखना सिखाया सर। जैसी मैंने सिर्फ दोस्ती का फर्ज अदा किया है। मैं चलती हूँ सर। जैसी वीरू आए तो उसे मेरे कैबिन में भेज देना। सर वीरू तो अभी आया नहीं। तो फिर मरिया भी नहीं आई होगी? नहीं। उन दोनों के बीच में कुछ कुछ? कुछ कुछ नहीं सर, बहुत कुछ। वीरू जैसे ही आता है मैं उसको भेजती हूँ सर। वेल, वो जब भी आए उसे मेरे पास भेज देना। ओके। भाई हमारी सीईओ बहुत खुश नजर आ रही है आज, और तूने इतना मुंह लटकाया हुआ है कि जमीन को टच कर रहा है, बात क्या है? नंदू ने कोहिनूर के लिए कुछ प्रॉफिट्स बनाए थे जो कि हमारे सप्लायर्स को एडवांस देने के लिए काफी है। ये तो गुड न्यूज है ना। प्रॉब्लम क्या है? गुलमोर में अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। समझा। वहां पे मलिका बैड मूड में है, यहाँ पे तू बैड मूड में है, यानी कि तुम दोनों ने लड़ाई की, राइट? मैं मलिका नहीं जस्सी की बात कर रहा हूँ। जस्सी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। अब क्या हो गया जस्सी के साथ? राज, जस्सी के साथ वाकई बहुत गलत होता है। कल रात को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई उसने कि तो उसके आंसू में बहकर इमोशनल हो गया, गिल्ट ट्रिप पे चला गया, राइट? I'm serious, Raj. कल पहली बार किसी ने अपना दिल मेरे सामने खोल कर रख दिया। कितना दर्द, कितनी निराशा थी वहां। कोई और भी था जस्सी की जिंदगी में जिसने उससे कहा था कि वो उसे प्यार करता है। वो पहला इंसान था जिस पर जस्सी ने भरोसा किया, और वो उसने शर्त लगाई थी। उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि वो जस्सी से कहलवा सकता है कि वो उससे प्यार करती है। और फिर जब जस्सी ने उसे कह दिया कि वो उससे प्यार करती है तो उसने उससे मिलना बंद कर दिया। आउच। और एक दिन वो उसे रोड पे मिला अपने दोस्तों के साथ। वो सब हंस रहे थे, उसके सारे दोस्त हंस रहे थे, कह रहे थे तो सिर्फ एक शर्त थी, सिर्फ एक शर्त। राज जरा सोच। राज वो इंसान वो जता रहा था कि वो शर्त जीत चुका है, और मैंने भी तो जस्सी के साथ ऐसे ही किया है। मैंने भी तो उसके करीब आने की कोशिश की ताकि वो कोहिनूर का हमारे हवाले कर सके। राज मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूं? जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है वो मर जाएंगे। वो मर जाएंगे। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।